हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूथ फार्मिंग पर। मैं हूं आपका दोस्त संजय सिंह। आज फिर हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आए हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। चलिए आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए हम अपनी वीडियो पर आते हैं। आज हम आए हुए हैं दोस्तों नरमे के खेत के अंदर जो एक मेजर समस्या आती है वो आती है वाइट फ्लाई, सफ़ेद फाका जिसे हम कह सकते हैं, वाइट फ्लाई इन कॉटन। देखो किसान साथियों, वाइट फ्लाई जो है, सफ़ेद फाका, इसने पिछले 3-4 साल से नरमे के अंदर काफ़ी आतंक मचाया हुआ है। जब शुरू के साल ये जो वाइट फ्लाई आई थी तो इसका कोई इतना इलाज नहीं था। बहुतों के नरमा जो है काले पड़ गए थे, ब्लैक फंगस आ गई थी और पत्ते गिर गए थे। 3-4 साल से ये काफ़ी आतंक मचाया हुआ है। लेकिन अगर हम इसके अंदर बिल्कुल लिमिटेड स्प्रे करें, एक मैनेजमेंट बनाए वाइट फ्लाई के लिए, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है काफ़ी हद तक। पूरी तरह से तो हम नहीं कह सकते कि जो है वाइट फ्लाई कंट्रोल हो सकती है। इसके लिए देखो, सबसे पहले तो इसकी पहचान देखो आप, जिसके अंदर आप पेड़ को ऐसे हिला करके देखेंगे, अगर आपको वाइट फ्लाई उड़ रही है तो इसका मतलब वाइट फ्लाई है। वो कितनी मात्रा में उड़ रही है, अगर थोड़ी बहुत इक्का दुक्का 5-7 उड़ रही है तो उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे थोड़ा सा हिलाया हमने, पेड़ को हिलाया और पूरा एकदम जैसे वाइट वाइट सी छोटी छोटी लिया सी मच्छर से, सफ़ेद मच्छर से आपको लगे कि बहुत ज़्यादा है, या आप नरमे के अंदर से निकलते हैं और आपके जो कपड़े हैं वो काले पड़ जाएं, तो इसका मतलब आपके नरमे को स्प्रे की ज़रूरत है, वाइट फ्लाई की मैनेजमेंट की ज़रूरत है। वाइट फ्लाई क्या करती है? वाइट फ्लाई जो है पत्तों का रस चूसती है। मैं आपको दिखाता हूँ वाइट फ्लाई के जो नुकसान हुए करते हैं। ये देखो, पत्ते का रस जो है वाइट फ्लाई ने चूस लिया है पूरी तरह से। रस चूसने के बाद में वाइट फ्लाई इसी पर बैठती है और इसी पर मल करती है अपना। उस मल के ऊपर से एक पत्ते के ऊपर एक लेयर बन जाती है और लेयर बनने के बाद में ये फूंद आ जाती है ब्लैक कलर की, पत्ता काला हो जाता है और लास्ट में ये पत्ता जो है सूख करके नीचे गिर जाएगा वाइट फ्लाई का। सबसे ज़्यादा आतंक वाइट फ्लाई का अभी इस वक्त 2-3 साल से, क्योंकि इसी पिछले साल ही गुलाबी सुंडी का अटैक ज़्यादा हुआ है, लेकिन इससे पहले वाइट फ्लाई का जो आतंक है वो सबसे ज़्यादा था। इसके लिए अब मैं आपको स्प्रे बताता हूँ जो मैनेजमेंट है इसकी, कि किस किस स्प्रे से ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। इसमें सबसे पहले जो है यूनिवर्सिटी ने जो बताया है, जो 3 स्प्रे बताई गई थी पहले, एक तो अपलाउड नाम से जो ब्रांड है, मैं किसी ब्रांड को नहीं बताना चाहता, ब्यूप्रोफेंजिन, अगर आपके शुरुआती स्टेज में है तो आप ब्यूप्रोफेंजिन का स्प्रे जो है वाइट फ्लाई पर कर सकते हैं। दूसरा जो इसके अंदर आता है स्पाइरोमेसिफेन, जो मतलब ब्रांड नेम के हिसाब से आपको पहचान कर देता हूँ, बायर के नाम से आती है ओबरोन। दो दवाइयाँ हो गई, एक टाटा के अपलाउड ब्यूप्रोफेंजिन, दूसरा ओबरोन स्पाइरोमेसिफेन, और तीसरी जो दवाई है वो है पायरीप्रोक्सीफेन। 3 दवाइयाँ हो गई। पायरीप्रोक्सीफेन जो लेनो के नाम से आती है, ये भी वाइट फ्लाई के अंदर काफ़ी हद तक कारगर है। 3 दवाइयाँ है ये हैं, और जो आज के दिन ये तीनों दवाइयाँ तो है ही हैं जो आपके शुरुआती स्टेज पर वाइट फ्लाई के लिए कंट्रोल कर सकती है। लेकिन आज जो पिछले साल से जो ज़्यादा चलन में जो टेक्निकल आया है, जो इन तीनों से ही ज़्यादा कारगर है, जब आपका जो बहुत ज़्यादा नरमा ऐसा लगता है कि नरमा ख़राब हो चुका है, इस नरमे के अंदर उम्मीद से कम बची हुई है, तो आप इसकी जो फाइनल जो दवाई है जो है वो फ्लोनिकामिड 50% के नाम से, जो UPL कंपनी का हुलाला आता है, सवाल कंपनी का पनामा आता है, आप कोई भी करिए, आप टेक्निकल लेकर के चलिए, अच्छी कंपनी का कोई टेक्निकल, जैसे फ्लोनिकामिड जिसके अंदर 50%, उसका स्प्रे कीजिए तो वाइट फ्लाई कंट्रोल काफ़ी हद तक हो सकती है। एक बात और ध्यान रखना मेरे किसान साथियों, कि एक ही टेक्निकल का स्प्रे बार बार आप मत कीजिए। जैसे नरमे के फसल के अंदर आप 1-2 महीना तक स्प्रे करते हैं, तो बार बार टेक्निकल बदलिए। जैसे आपने पायरीप्रोक्सीफेन का मार दिया, या सबसे पहले हड़के स्प्रे मार दिए, ब्यूप्रोफेंजिन का मार दिया, फिर पायरीप्रोक्सीफेन का मार दिया, फिर आप ओबरोन का मार दिया, या बहुत ज़्यादा हो गए तो आप हुलाला या फ्लोनिकामिड का मार दिया, मतलब टेक्निकल को हर बार बदलिए। अगर आप एक ही टेक्निकल को बार बार स्प्रे करेंगे तो जो है वाइट फ्लाई के अंदर जो रेजिस्टेंस पावर है वो हो जाएगी उस कीटनाशक के प्रति, और ये आने वाले समय में हमें दिक्कत करेगा, अभी भी दिक्कत कर सकता है। इसलिए आप स्प्रे जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के हिसाब से अगर एक स्प्रे आप करेंगे तो 8 से 10-12 दिन तक का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है आ जाता है, और फ्लोनिकामिड का काफ़ी अच्छा रिजल्ट है वाइट फ्लाई के ऊपर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कॉमेंट और शेयर जरूर कीजिए। साथियों, बहुत ही जल्द मिलेंगे हमारी अगली नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।